हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू व्याख्या एडियो। मैं कुलदीप और आप हैं व्याख्या एडियो चैनल पर, जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं क्लास टेंथ के हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि कोर्स ए के बारे में। तो यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि काफ़ी आपके लिए जो है मददगार साबित होंगे। हम यहाँ बात करने जा रहे हैं निबंध के बारे में, जो आपके हिंदी सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं, जो कि जो है आपका 10 मार्क्स का ये निबंध आता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो है आपसे जो है एग्ज़ाम में टॉपिक्स पूछे गए हैं, जिससे कि एक आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह के टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और उसकी प्रिपरेशन जो है आप अच्छी तरह कर सकें। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि कोई भी न्यू व्यूवर्स अगर है तो सब्सक्राइब शुरू कीजिएगा वीडियो के नीचे रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब का, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया के लिंक जो है आपको वीडियो के नीचे दिए हुए हैं, वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जहाँ से आप देख पाएंगे कि 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 80 मार्क्स का होता है। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको पेपर मिलता है तो जो 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर को रीड करने के लिए, उस टाइम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से आपको क्या अच्छी तरह आता है, और उसे आप डिसाइड कर लीजिएगा कि पहले आप क्या करना चाहते हैं, जैसे कि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो और आप पूरा पेपर उतने समय के अंदर जो है पूरा कर सकें। राइटिंग का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो हैंड राइटिंग होगी वो नीट एंड क्लियर होनी चाहिए और क्लीन रहनी चाहिए, कि जैसे कि सारे जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, वो साफ साफ समझ में आए टीचर को जो चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 4 खंड होते हैं आपके इस पेपर के, जिसमें हम देखेंगे कि निबंध जो है वो किस खंड के अंदर आता है। तो ये आपका एक सेट है, पहला सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो ये है आपका खंड घ, जो कि 12वां क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर ही आपको संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 200 से लेकर 250 शब्दों के अंदर आपको जो है निबंध लिखना होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या यहाँ पे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है कमर तोड़ महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, और यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं कमर तोड़ महंगाई के, जो निबंध आप लिखेंगे उसके अंदर ये पॉइंट्स जरूर आने चाहिए, महंगाई के क्या कारण हैं, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, व्यवहारिक समाधान, तो ये पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको निबंध लिखना है। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान, तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, विकास में स्वच्छता का योगदान, अस्वच्छता से हानियाँ क्या होती हैं, रोकने के क्या क्या उपाय हैं, ये पॉइंट्स आने चाहिए, बदलती जीवन शैली का आशय ये आना चाहिए, बदलाव कैसा वो और परिणाम। तो ये टॉपिक्स हैं आपके इस सेट 1 के। नेक्स्ट हम सेट देख लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह के और टॉपिक्स इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि खंड घ जो है उसके अंदर है 12वां क्वेश्चन, जो कि आपका निबंध से संबंधित होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्ड लिमिट जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 से लेकर 250 शब्द के अंदर ही आपका जो है निबंध आ जाना चाहिए, जैसे कि कोई भी आपका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो और ना ही 200 से कम होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। वीडियो के नीचे मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि सभी लिंक्स को जो है प्रोवाइड करें, और PDF या जो भी हमारे पास डिटेल्स रहते हैं, स्टडी मटेरियल रहता है, तो वो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकें और वो आसानी से आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या टॉपिक दिया हुआ है, महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें पॉइंट्स जो लिखने हैं जीवन शैली, कामकाजी महिलाओं की समस्या, सुरक्षा में कमियों के कारण व सुझाव, ये आपका पहला टॉपिक, मित्र की परख संकट में, ये दूसरा टॉपिक हो गया, भले दिनों के मित्र, बुरे दिनों के मित्र
और मित्र की परख। तीसरा टॉपिक है मेरी कल्पना का विद्यालय। इसमें विद्यालय में क्या है अनावश्यक, क्या क्या आवश्यक और विद्यालय और परिवेश। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपके दूसरे सेट के हैं। नेक्स्ट सेट के हम देख लेते हैं इसमें कि और क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे पूछे गए हैं, जिससे कि एक आपको आइडिया, जनरल आइडिया मिल जाए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी करंटली आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड या जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड या कंप्यूटर से संबंधित या साइंस से रिलेटेड या गेम से रिलेटेड, राइट, कोई भी न्यूज़ या जो भी आपका न्यूज़पेपर है उसमें बातें चल रही हैं, न्यूज़ में बातें चल रही हैं, तो उसी से संबंधित आपके जो है पूछे जाते हैं, या तो आपकी महिला सिक्योरिटी से रिलेटेड, राइट, इस तरह के क्वेश्चंस। यहाँ पर टॉपिक्स जो दिए गए हैं, सफलता की कुंजी मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता क्यों, सतत अभ्यास और सफलता की कुंजी, ये पॉइंट्स हैं जो इसमें आपको लिखने हैं। सेकंड है भ्रष्टाचार मुक्त समाज। भ्रष्टाचार क्या है, कारण और निवारण, भ्रष्टाचार मुक्त देश की कल्पना। तीसरा है टॉपिक विज्ञान और हमारा जीवन। विज्ञान के उद्देश्य, विज्ञापन और हमारा जीवन, विज्ञापन के उद्देश्य और विज्ञापन के विविध रूप और विज्ञापन का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे संबंधित यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट सेट पर हम देख लेते हैं कि और क्या क्या टॉपिक्स दिए गए थे। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा, धरती कहे पुकार के, ये टॉपिक है जिसमें सहनशील धरती, ये पॉइंट है सांप्रदायिकता से मुक्त मुक्ति और खुशहाल वातावरण पर्यावरण, ये पॉइंट्स आने चाहिए। त्यौहार बनाम बाजारवाद, तात्पर्य लिखना है इसमें, त्यौहारों का वास्तविक स्वरूप, बाजार का प्रभाव। उसके बाद है क्रिकेट मैच का आंखों देखा वर्णन। तो यहाँ पे है कहाँ कैसे कब, आनंददायक और परिणाम। तो ये कुछ टॉपिक्स जो है आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट सेट पे हम चेक कर लेते हैं कि और किस तरह के टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये आपको इस वीडियो में इन टॉपिक्स के बारे में बताने का मेरा यहाँ पे बस यही मतलब है कि आपको जो है एक आइडिया मिल सके और इसकी प्रैक्टिस आप इस तरह कर सके कि कुछ टॉपिक्स को आप समझ सके कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं निबंध के लिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स का आता है। आपको जो पेपर होगा उसके अंदर 10 मार्क्स का ये निबंध लेखन आता है। तो आप अगर इस तरह के टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है और आप जो है उसे अच्छी तरह फिर कर पाते हैं। यहाँ पे टॉपिक है पेट्रोल का बढ़ता मूल्य, पेट्रोल की कमी, समस्या का विकराल रूप, परिणाम और समाधान। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। सफलता की कुंजी मन की एकाग्रता, ये यहाँ रिपीट हुआ है। तो सफलता और मन की एकाग्रता, एकाग्रता के लाभ और उदाहरण, कैसे हो एकाग्रता, ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। इंटरनेट का प्रभाव, इंटरनेट का तात्पर्य लाभ और हानि, मानव मन पर प्रभाव, राइट। तो ये टॉपिक्स जो है आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो इसी तरीके के टॉपिक्स भी जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप इसे साफ हैंड राइटिंग में लिखें निबंध को, या जो भी आप हिंदी या कोई भी पेपर होता है उसमें आप अपनी राइटिंग को ज़रूर साफ और क्लियर लिखिएगा, जिससे कि एग्जामिनर जो होते हैं आपके चेक करते हैं पेपर, तो उसमें जो भी आंसर शीट चेक करें तो उसमें उन्हें क्लियरली आंसर का पता लग पाए, जिससे कि जो है वो इरिटेट ना हो और आपको सही मार्क्स दे सकें, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही है।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने क्लासमेट और क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के साथ, और पूरी कोशिश करेंगे कि हम लाइव आएँ, या लाइव नहीं आ पाते हैं तो आपके लिए वीडियो को अपलोड करके हम आपके सामने ला सकें उसे, जिससे कि आपको हेल्प हो सके। तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।